जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम जैतून वैली के साथ उनकी इनविटेशन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उनके साथ ये चीज़ें डिसाइड की थी कि बाकायदा तौर पे एक एसोसिएशन की इनविटेशन उन्होंने रखी थी, तो उसमें अब आज हम सब कलीग इंशाल्लाह इकट्ठे होकर वहाँ पर जा रहे हैं, जिसका बाकायदा वो एक ओपनिंग की शक्ल में वो इंफॉर्मेशन हमें देंगे, और उसके अलावा वो अपने जितनी भी स्ट्रेटजी है और टाउन का प्रोफाइल है हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको जैतून वैली की डिटेल्स बताएंगे, उसके अलावा एरिया का, उसके हदूदरबा का, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसका ड्यूरेशन, जैसे पेमेंट मोड है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम डेवलपर का प्रोफाइल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बाकायदा से एक तकरीब होने वाली है जिसको इंशाल्लाह हम खुद ही होस्ट भी करेंगे, और उसके अलावा उनके बिहाफ पे जो है वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बींग ए क्लाइंट आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप साहिवाल से हैं या साहिवाल के बाहर हैं, दोनों ही सूरतों में ये व्लॉग जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इंटरेस्ट रखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको इसी सिलसिले में आगे दूसरे व्लॉग्स भी दूसरे टाउन्स के वाले से भी मिलते रहेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीक गोल्फ सिटी के वाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो ये दोस्त आके हमारे पास इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं सब, तो इंशाल्लाह बाकायदा हम एक काफिले की शक्ल में जाएंगे। उससे पहले ये है कि खुशी और गमी साथ साथ ही चलती है, तो हम इससे पहले आज ही के दिन में हमारे कलीग उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था इसी वीक में, तो वहाँ पे फातिहा खानी का प्रोग्राम है, तो हम सब कलीग पहले इकट्ठे होकर वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे मुख्तसर सी वहाँ पे जो विज़िट होगा, उसके बाद हम फातिहा खानी करने के बाद इंशाल्लाह जैतून वैली की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे, और आपको व्लॉग में तमाम जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपको जैतून वैली में। ओके, सब पहुंच गए हैं। ये है जी जैतून वैली की साइड, ये सामने जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये सामने सुमाइन है, तो ये सामने जीटी रोड है, तो ये साइट है, ठीक है, ये 12-13 एकड़ की ये साइट है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं इमरान अलवी आपकी खिदमत में, आपका भाई जनरल सेक्रेटरी की मेरे पास जिम्मेदारी है एसोसिएशन के वाले से। आज एक्स्ट्रा जो ड्यूटी है ऑन बिहाफ ऑफ जैतून वैली, वो इंशाल्लाह भाइयों के लिए आपके साथ इस प्रोग्राम को मैं होस्ट करूंगा। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावा दूंगा जनाब कारी मोहम्मद अलिया साहब को। वो आए, हमारे साथी हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, तो आए आके इस महफिल को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم حاضرين محفل सबसे पहले स्टेज पर मेरे साथ शख्सियात जो मौजूद हैं, चौधरी जुमुर्द सुल्तान गुजर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस प्रोजेक्ट के, हम खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी बाबर सुल्तान गुजर साहब सीईओ हैं इस प्रोजेक्ट के, चीफ कमांडिंग ऑफिसर हैं, तो इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सरफराज अहमद मेरे भाई यहाँ पे मैनेजर है प्रोजेक्ट के, आपको भी सर खुश आमदेद। ये ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं आप ही को वेलकम कर रहा हूँ सर। अच्छा, इसके अलावा सर एसोसिएशन प्रेसिडेंट जनाब हरदिल अजीज चौधरी अब्दुल लतीफ गुजर साहब स्टेज पर मौजूद हैं, हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे सीनियर नायब सदर चौधरी महमूद साहब स्टेज पर मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और मलक जमील साहब जोनल सदर हैं शदावटन एरिया के, हम खुश आमदीद कहते हैं। जुबान मेरी है, बात उन्हीं की, उन्हीं का मतलब समझा रहा हूँ। प्रोग्राम जैतून वैली की तरफ से है, तो इसको जैतून वैली की तरफ से ही समझा जाए। हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं भाई हमारे। तो तलावत कलाम पाक के बाद मैं वेलकम एड्रेस के लिए असरार भाई से, सरफराज भाई से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ ज़रा। तो ये हाज़रीन महफिल जो हमारे दोस्त आए हैं, इनको आप अपने प्रोजेक्ट के बिहाफ पे वेलकम करें सर, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जैतून वैली चौधरी जमूर सुल्तान साहब की तरफ से साहिवाल एसोसिएशन के जितने भी भाई मेम्बर आज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से हम वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती टाइम से वो टाइम निकाल के इस रौनक बख्शी है हमारे इस फंक्शन को, शुक्रिया। आगाज़ के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हसब रवायत हम प्रोजेक्ट के रूए रवां, इस प्रोजेक्ट के ओनर जनाब जमूर सुल्तान गुजर साहब को यहाँ स्टेज पे दावत दे रहे हैं कि वो माइक पे आए और अपने प्रोजेक्ट के मुतल्लिक डिटेल दोस्तों के साथ शेयर करें।
इकबाल टाउन से अलहदा हो गया है। अलामा इकबाल टाउन सामने है और पीछे खुर्शीद टाउन में है। ये मेरे पास रिकॉर्ड में है। जिन लोगों की भी फ़र्द है ना, अगर किसी की है तो उनका खेवट अलहदा, किला अलहदा, वो सब कुछ अलहदा है। हमारे से किसी का कोई वास्ता नहीं है। पिछले दिनों ये कुछ लोग गए भी हैं डीसी साहब के पास, मैंने उनको कहा जी अगर किसी का बनता है तो दे दें, लेकिन किसी का इधर कोई नहीं निकला, मरला भी नहीं निकला। ये मुश्तरका खेवट थी, वो करते क्या थे कि दिखाते इधर थे, इंतकाल पीछे करवा दिया या उधर करवा दिया सामने। अब सामने भी पड़ी है, वहाँ भी लोगों ने अपने कब्जे कर लिए हैं। हमारे फ्रंट पे बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हमारा कब्जा इधर है, मैंने कहा आपकी ज़मीन उधर है। तो अब उन्होंने ये गेट के साथ देखेंगे तो उन्होंने अपनी चार दीवारी करवा दी है, सारा कुछ है। हमारे इस जगह में किसी का एक मरला भी नहीं है। अगर किसी का होगा तो मैं ऐलान करता हूँ मैं खुद उसको दूंगा, बगैर पैसों के दूंगा। अगर किसी का निकलेगा एक मरला भी तो मैं दूंगा, ठीक है। इस चौधरी साहब से यही तवक्कु रखूंगा कि मेरे तमाम दोस्त डीलर हजरात आइंदा भी मुझे खुद जाके मिलेंगे और बताएंगे कि जो आपने उस वक्त कहा था उससे हमने ज्यादा मोहब्बत पाई है। हाँ जी मेरे साहब ठीक रह गया। हाँ जी माशाल्लाह बहुत कामयाब इवेंट रहा जी। हाँ जी आसिफ साहब, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक रहा सर। अस्सलाम वालेकुम आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, नदीम भाई ठीक ठाक बस शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। मैं तुम्हें याद किया, मैं क्या अतीक भाई ने कॉल की, मैं तुम्हें याद किया। हाँ जी दोस्तों कैसे हैं, घुसाने भी जगह दे दो। इजी पैसा ही है, इजी पैसा मैं तुम्हें क्या वो तो बाद चो डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, तो ये थी आज की तकरीब। इसमें हमने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को कवर किया जाए। यहाँ पे ड्यूरेशन भी डिस्कस हुआ है, यहाँ पे रेट्स भी डिस्कस हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट एक पैकेज भी डिस्कस हुआ है। मार्केटिंग के लोगों के लिए भी जो अनाउंसमेंट थी ज़रूरी वो भी हुई है, तो आपने सब कुछ देख ही लिया। इसी तरह से आपको इंशाल्लाह बाकी के व्लॉग्स में आपको बाकी के टाउन्स के मतलब भी हम हाल अहवाल बताते रहेंगे, ठीक है। तो जैतून वैली के हवाले से ये आज की तकरीब जो है बड़ी अच्छी रही, ज़बरदस्त रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, तो इसमें ये होगा कि आपके लिए बाकी की इन्फॉर्मेशन भी है साथ साथ आपको शेयर होती रहेगी। मिलते हैं अगले भी लोग में, तब तक के लिए अपना दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।